अब हम देखते हैं हमारी आगे की एक्सरसाइज नंबर 4, काउंट एंड सबस्ट्रैक्ट। हमें यहाँ पे काउंट करना है एंड सबस्ट्रैक्ट करना है। हमें यहाँ पे कुछ सेप्स दिए हैं बॉक्स में, उन सेप्स के बीच में हमें माइनस यानी कि सबस्ट्रैक्शन का सिंबल दिया हुआ है। इट मीन्स हमें शेप्स को माइनस करना होगा। जो भी ट्रायंगल है उसे काउंट करने होंगे एंड वंस के प्लेस पर लिखना होगा। स्क्वायर है वो कितने हैं वो काउंट करने होंगे एंड टेंस के प्लेस पर लिखने होंगे। 100 यानी कि उसके लिए हमें शेप दिया है स्टार, स्टार दिए हैं उनको काउंट करने होंगे एंड जो भी नंबर हमें मिले वो हमें 100 के प्लेस पे पुट करना होगा। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पे जो लेफ्ट साइड है उनका नंबर निकाल के हमें यहाँ पे लिखना होगा, देन राइट साइड के बॉक्स के शेप्स देखने होंगे। फर्स्ट हियर वी हैव टू काउंट ट्राइंगल 1, 2, 3, 4। हियर वी हैव 4 वंस। देन टेंस के प्लेस के लिए हमें दिया है स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 टेंस। 100 के प्लेस के लिए हमें शेप दिया है स्टार 1, ओनली 1 स्टार। इट मीन्स वी हैव टू राइट ओवर हियर 1। देन नाउ वी आर सीइंग दिस बॉक्स। फर्स्ट वी आर काउंटिंग ट्राइंगल 1, 2, 3, 4। हियर वी हैव टू राइट 4। देन वी आर काउंट स्क्वायर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 स्क्वायर। यहाँ पे स्टार इट मीन्स 100 के प्लेस के लिए कुछ नहीं दिया है। वंस के प्लेस से हम लोग सब्स्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। 0, 4 माइनस 4, 0। 7 माइनस 7, 0। 100 के प्लेस पर 1। इट मीन्स अब आंसर इज 100। एग्जैक्टली लाइक दैट वी आर काउंटिंग फॉर सेकेंड। वी आर नोइंग स्टार रिप्रेजेंट 100, स्क्वायर रिप्रेजेंट 10 एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट 1। सो फर्स्ट वी आर सीइंग फॉर दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 वंस। टेंस फॉर स्क्वायर शेप, हियर वी आर सीइंग देयर इज नो एनी स्क्वायर शेप। इट मीन्स हियर कम 0, 100 प्लेस 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्टार। वी हैव टू राइट ओवर हियर 5 माइनस। नाउ वी आर काउंटिंग शेप फ्रॉम दिस बॉक्स। वंस के प्लेस के लिए हमें ट्राइंगल काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हियर कम 9। टेंस के प्लेस पर है शेप स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0। 100 के प्लेस के लिए स्टार 1, 2। वी हैव टू राइट ओवर हियर 2। 6 माइनस 9 नॉट पॉसिबल, सो वी आर टेकिंग 1 10 फ्रॉम नेक्स्ट। हियर कम 10 प्लस 6। 10 प्लस 6, 16। 16 माइनस 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। आंसर इज 7। हियर वी हैव 0, सो वी कैन नॉट कैंसल आउट इट। सो वी हैव टू टेक 100 फ्रॉम, वी हैव टू टेक 100 फ्रॉम 5। हियर कम 10। फ्रॉम दिस 10 वी आर टेकिंग 1, 10 फॉर वंस। सो वी हैव टू कैंसल आउट हियर, वी हैव टू कट आउट हियर, वी हैव टू बोरो इट एंड हियर कम 9। 9 माइनस 0, 9। वी आर टेकिंग 100 फ्रॉम दिस 5, सो वी हैव टू कट आउट दिस एंड वी हैव टू राइट ओवर हियर 4। 4 माइनस 2, 2। आंसर इज 297। देन थर्ड नंबर का है उसे हम लोग देख लेते हैं।
वंस के प्लेस पर कितने ट्राइंगल है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सेवन स्क्वायर कितने दिए हैं? ओनली वन. एंड स्टार कितने शेप दिए हैं? 1, 2, 3 317. देन यहाँ पे ये वाला जो बॉक्स है उसमें वंस के प्लेस पे कितने ट्राइंगल दिए हैं? ओनली वन. वी हैव टू राइट ओवर हियर वन. टेंस के लिए है स्क्वायर, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं दिया है, इट मीन्स जीरो. स्टार इट मीन्स 100. वन स्टार इट मीन्स हियर कम वन. सेवन माइनस वन 6. 1 माइनस 0 1. 3 माइनस 1 2. आंसर इज 216. यहाँ पे हमने सर्कल शेप बहुत सारे दिए हैं, लेकिन सर्कल शेप ना 100 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना 10 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना वंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो हमें जो भी सर्कल है उसे कंसीडर नहीं करना है. एग्जैक्टली लाइक दैट हमें फोन नंबर का सम दिया है, वो आपको अपने आप ही करना होगा. नाउ वी आर सीन एक्सरसाइज नंबर 5. डिसाइड वेदर टू आंसर इज करेक्ट और नॉट. यहाँ पे हमने जैसे हमारी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की थी एग्जैक्टली वैसा ही करना है. हमने यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन किया वो करेक्ट है कि नहीं है वो हमें देखना होगा. तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? ये वाला नंबर है वो है बिगर नंबर. बिगर नंबर में से हमने कोई भी नंबर माइनस किया तो हमें ये आंसर मिला. देन हमें ये करेक्ट आंसर मिला, ये जो आंसर है वो करेक्ट है कि नहीं उसके लिए क्या करना होगा? इस आंसर को यहाँ पे पुट करना होगा. देन ये जो स्मॉल नंबर है जिसको हमने बिगर नंबर में से सब्सट्रैक्ट किया उस नंबर को यहाँ पे लिखना होगा, और उन दोनों का एडिशन करके हमें जो आंसर मिले वो अगर इस आंसर के जितना ही हो तो हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो सही सॉल्व किया. अगर वो ये दोनों सिमिलर नहीं है, इफ़ दिस टू नंबर आर नॉट सिमिलर, इट मीन्स वी आर डूइंग मिस्टेक एट सम प्लेस. सो हियर वी आर सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. 387 माइनस 253. 7 माइनस 3 4. 8 माइनस 5 8 माइनस 5 3. 3 माइनस 2 1. नाउ 134 प्लस 253. 4 प्लस 3 7. 5 प्लस 3 8. 1 प्लस 2 3. अब वो आंसर इज 387. हियर वी आर सीन 387. दिस बोथ नंबर आर सिमिलर, इट मीन्स वी आर सॉल्व दिस सब्सट्रैक्शन प्रॉपरली, इट मीन्स अब वो आंसर इज करेक्ट. देन नेक्स्ट 785 माइनस 664. 8 5 माइनस 4 1. 8 माइनस 6 2. 7 माइनस 6 1. नाउ 121 प्लस 664. 4 प्लस 1 5. 6 प्लस 2 8. 6 प्लस 1 7. वी आर गेटिंग आंसर 785. हियर वी आर सीन हियर ऑल्सो 785. इट मीन्स अवर आंसर इज करेक्ट. देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 654 माइनस 103. 4 माइनस 3 2. 5 माइनस 0 0. 6 माइनस 1 2. हियर 202 प्लस 103. 3 प्लस 2 5. 0 3. हियर वी गेट आंसर 305. हियर वी हैव 654. इट मीन्स वी आर नॉट डूइंग दिस वी आर नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम करेक्टली, इट मीन्स अवर आंसर इज रॉन्ग.
नाउ लेट्स वी आर करेक्ट इट. 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 1 5. 551 प्लस 103, 1 प्लस 3 4, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 1 6. Our answer and these both number are same. It means now our answer is correct answer. Then 4 number ka sum hai, wo karte hai. 486 minus 244, 6 minus 4, answer 2. 8 minus 4, 5, 6, 7, 8, answer 4. 4 minus 2, answer 2. Now 242 plus 244, 4 plus 2, 6, 4 plus 4, 8, 2 plus 2, 4. Our answer is 486. And here we are seeing 486. It means we are solving problem is solve problem correctly. Our answer is correct. Then 842 minus 29. 9 में से 2 माइनस हो सकता है, लेकिन 2 में से 9 माइनस नहीं हो सकता. सब्स्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 2 इज नॉट पॉसिबल, सो वी आर टेकिंग 1 tens फ्रॉम 4. इट मीन्स 10 प्लस 2, इट मीन्स 12 माइनस 9, 10, 11, 12, आंसर इज 3. वी आर टेकिंग 1 tens फ्रॉम दिस 4, सो we have to cancel out this 4 and we have to write over here 3. 3 minus 2, 1, 8. Answer is 813. Now 813 plus 29, 9 plus 3, 12, 2, 1 as a carry, 1 plus 1, 2, 2 plus 2, 4, 8. Answer is 842. Here we have 842. It means these both are similar. It means we are doing it correctly. Our answer is correct. Exactly. You have to solve this all problem by yourself. Here our exercise number 5 is finished. Thank you everyone.